नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रसाद टेस्टनेट प्रेप से। इस वीडियो को बनाने का आज एक ही एजेंडा है कि आप लोग जिस प्रेशर से गुजर रहे हैं उस प्रेशर को हम लोग ब्रेक डाउन करके एड्रेस करें और उसको हटाएं। अब ये प्रेशर क्या है भाई, बताते हैं। पिछले इतने महीनों से एक सस्पेंस था कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। पहले वो एक प्रेशर था, वो प्रेशर ख़त्म हुआ, टेस्ट ने पूरा अपना गाइडलाइन दिया। फिर एक प्रेशर आया ओए में क्या होगा, ओए के बारे में बताया, वो वाला प्रेशर भी चला गया। अब ये नया प्रेशर मैं देख रहा हूँ उन बच्चों के साथ जो कि हमारे साथ एनरोल्ड हैं। और मैं तो बोलूँगा यार ये वीडियो जनहित में जारी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे साथ एनरोल नहीं है लेकिन वो रिलेट करेंगे इस वीडियो से जो मैं कहने वाला हूँ। अब देखिए, बच्चा 1 तारीख से इंटरव्यू देना स्टार्ट किया है। किसी ने 3 कोर्स में किया है एनरोल, किसी ने 2 कोर्स में, 2 कोर्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं, किसी ने 3 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कोई 1 ही के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बच्चे इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। अब बाकी बच्चे जो सेम फील्ड के हैं, सिमिलर फील्ड के हैं, वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या सवाल पूछा, अच्छा ये सवाल पूछा, ये सवाल का मतलब तो मेरे को मालूम नहीं, तुमसे ये पूछा कि होम्योपैथी में, होम्योपैथी का क्या रिलेशन है कोविड में, या होम्योपैथी किस तरीके से कोविड में, या आयुर्वेदा किस तरीके से कोविड में यूज़ हुआ, ये तो मेरे को मालूम नहीं, ये मैं कर लेता हूँ। तुमसे ये पूछा कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से कोविड का एग्जांपल पूछा, ये भी नहीं मालूम मेरे को। अरे आप ये क्यों नहीं समझ रहे, उनका बैकग्राउंड जैसे है उनसे वैसे सवाल पूछे गए हैं। आपको ज़रूरत नहीं है वो सब करने का, आपको अपने बैकग्राउंड पे मास्टर करने की ज़रूरत है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, आप स्ट्रेस्ड हो जा रहे हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस देख के। जैसे जैसे हम लोग का इंटरव्यू शुरू हुआ है, एटीएस का जैसे इंटरव्यू शुरू हुए हैं, हम लोग ने अपने वेबसाइट में भी डालना शुरू कर दी है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हम लोग डाल रहे हैं इसलिए नहीं कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कि आपको डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन पता चले कि अगर इस लड़का या इस लड़के या इस लड़की से पूछा है बैचलर्स के पर्सपेक्टिव से एक सवाल कोविड के रिलेटेड, तो मेरे बैचलर से पूछा जा सकता है। ये नहीं कि भाई वही सवाल आएगा। अगर आपसे पूछा है एकदम अलग तरीके का एक सवाल जो कि ना सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना आपके कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन आपसे पूछा गया है और वो एक्सपीरियंस कोई और देख के सोच रहा है कि भाई मैं भी ये कर लेता हूँ, नहीं, वो आपसे पूछा गया है क्यों, क्योंकि आपने उस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया है। आप उसके एक्सपीरियंस को रेप्लीकेट नहीं कर सकते, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है। आप ये मत सोचिए कि आसपास क्या सवाल पूछे गए हैं, अरे उससे तो ये सवाल पूछा गया है, इससे ये सवाल पूछा गया है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। आप अगर ये सब कर लेंगे तो आपका जो कोर है आप उसको भूल जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? अब खुद सोचिए, मैं सेशंस में, अपने सेशंस और लाइव क्लासेस वगैरह में बताता हूँ बच्चों को, मास्टर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज कितना है, लिमिटेड नॉलेज है। क्या है, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ डेटा है, कुछ डेफिनेशंस हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सील्स, और क्या है, कुछ नहीं। अब बैठने वाले 100% बच्चों में 70-80% बच्चे आते हैं डेंटिस्ट्री फील्ड से, तो समथिंग हैज टू बी देयर जो कि आपको अलग करेगा ना। वो क्या रहेगा, वो आपके पिच में से सवाल रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मैं एक डेंटिस्ट बैकग्राउंड से आया हूं, मेरे से ये सवाल पूछा गया है, तो दूसरे वाले डेंटिस्ट वाले बैकग्राउंड से भी यही सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपने डाफ में किस तरीके से अपने आप को दिखाया है, अपना इंक्लिनेशन डाफ में किस तरीके से आपने रखा है, और अपने पिच को आप किस तरीके से बोल रहे हैं, उससे सवाल आएंगे। मैंने पहले भी कहा है, पैनल को नचाने मत दीजिए, आपको आप पैनल को अपने कंफर्ट जोन में लेकर आइए। आप जिस तरीके का क्यू डालेंगे अपने पिच में, उस क्यू को ही पैनल पकड़ के अगला सवाल करेगा। जो सबसीक्वेंट सवाल होते हैं वो वैसे ही सवाल करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके सवाल जैसे आपने पूछा वो किसी और से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो तो बंदा अपना क्यू दे रहा है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप प्रेशर में मत आए। इतने महीनों की मेहनत है आपकी, कम्युनिकेशन आपने शीशे में देख देख के रेडी किया है, एक ही पिच को बार बार रिकॉर्ड करके आपने रेडी किया है अपने आप को। इस चीज की वजह से ये सारा मेहनत पानी में ना जाने दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप अपने कोर्स, अपने पिच, अपने एक्सपीरियंस से भटक गए और दूसरों के एक्सपीरियंस को लेके अपना पिच बनाने लग गए अगर, और अगर फिर सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपको लाइफ भर पछतावा रहेगा, क्योंकि यू वर नॉट ओरिजिनल। आपको रहना तो ओरिजिनल है।
तो आप दूसरों की ओरिजिनलिटी पे अपना पिच नहीं बेस कर सकते। मेरे को बहुत अजीब सा लगा, कल हम लोग देखे ग्रुप में काफ़ी बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस को आप रेप्लिकेट करें अपने पिच में वो गलत है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसका एक्सपीरियंस वैसा रहा है तो मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहेगा, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देना चाहते हैं कि भाई मेरे से ये सवाल पूछा गया है तो तुम इस डायरेक्शन में सवाल रेडी कर लो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ODCL का हमारा एक बहुत होनहार स्टूडेंट, उससे ये पूछा कि टिस्क के मैनेजमेंट में बताओ क्या है, टिस्क का मैनेजरियल हायरार्की कैसा है, टिस्क के डायरेक्टर का नाम क्या है, टिस्क का फंडिंग कहाँ से है। तो ये चीज़ अगर वो बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही याद करना है, आपको ओवरऑल डायरेक्शन मिल गया, आप टिस्क के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करें ODCL वाले बच्चे। तो ये डायरेक्शन अपना लीजिए कि इस डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आपसे दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, बहुत रेयर है, 0.1 से भी मैं कम बोलूँगा, बहुत रेयर है। किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आप तो आपको यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में कि 3 महीने का मेहनत है, बहुत मेहनत किया है आप सबने, मैं जानता हूँ। शीशे के सामने देखकर अपना कम्युनिकेशन सुधारने में बहुत टाइम लगता है और आपने वो इन्वेस्ट किया है। नॉलेज पढ़ के, गूगल पढ़ के, कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है, कोई ऐसा स्कीम या पॉलिसी नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आपकी तैयारी अच्छी है। आप बस अपने पे ध्यान दें, अपने पिच पे ध्यान दें और खुद से बात करिए कि अगर मैं ये पिच बोलता हूँ तो और क्या क्या सवाल मेरे से पैनल कर सकता है, वो सब चीज़ें रेडी करिए। किसी और के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस ना बनाएं और किसी और के एक्सपीरियंस से खुद ना डरें, किसी और के एक्सपीरियंस को आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट ना करने दें। देखिए उनसे ये पूछा गया है, टेक इट एज ए गुड थिंग कि उनसे ये पूछा गया है तो हाँ मैं इस डायरेक्शन में भी कर लेता हूँ, उनसे ऐसा सवाल पूछा गया था मैं वो भी कर लेता हूँ। डायरेक्शन रेप्लीकेट करिए, पिच रेप्लीकेट ना करिए। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर आपका नॉलेज पूरा है, अगर आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, तो आपको अपने आप वो एज मिल जाएगा जिसकी हम बात करते हैं। यू विल बी बेटर देन एनीबडी एल्स इन योर पर्टिकुलर फील्ड और सिलेक्शन होगा, लेकिन ओरिजिनलिटी से होगा, रेप्लीकेशन से नहीं होगा। नीचे वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट के लिंक में जाइए, जरूर देखिए क्या क्या हम लोग एक्सपीरियंस डाल रहे हैं बच्चों का, देखिए उनसे कैसा पूछा गया, क्या पूछा गया है, एंड मेक श्योर उन्होंने जो गलती किया है आप वो ना करें। वापस से बोलूँगा, डायरेक्शन रेप्लीकेट करिए, उनका जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो रेप्लीकेट मत करिए, रहिए आप ओरिजिनल। चलिए धन्यवाद।